हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तनवीज किचन में आपका स्वागत है। और आज हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रहे हैं जो है वाइट ग्रेवी प्रीमिक्स की। जिन क्लास के लिए आप पैसे देते हैं, खर्च करते हैं, या क्लासेस ऑनलाइन जो चलती हैं जिनके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है, वही रिक्वेस्टेड वीडियो हमसे बोला गया था और हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ब्राउन ग्रेवी प्रीमिक्स भी हमने बनाया है, बहुत सारे प्रीमिक्स सिखाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ व्हाइट ग्रेवी प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये सामग्री आपको दिखाई दे रही होगी। इसको हम एक साइड कर देते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक पैन। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 10 से 12 काजू। व्हाइट ग्रेवी के लिए, व्हाइट ग्रेवी प्रीमिक्स जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें सफेद चीजों की ही जरूरत पड़ती है। ये हमने लिया है एक तेज पत्ता, ये दालचीनी का टुकड़ा, एक टुकड़ा था जिसके मैंने ये दो पीस कर लिए हैं, एक जावित्री का टुकड़ा बहुत छोटा सा, अगर ये नहीं भी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, दो लौंग, एक बड़ी इलायची के दाने, दो छोटी इलायची जो हरी इलायची होती है उसके दाने, एक टेबल स्पून तिल, दो टेबल स्पून ये खरबूजे के बीज हैं, अगर आपको खरबूजे के बीज नहीं मिलते हैं तो आप तरबूज के बीज भी ले सकते हैं, दोनों में से ऑप्शन है, कोई भी ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। और यहाँ है आधा चम्मच के करीब, आधा टेबल स्पून खसखस, इसे पोस्त दाना भी बोलते हैं। और इन सारी चीजों को हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट तो यहाँ पर करेंगे। मैंने इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। रोस्ट बस हमें इतना करना है ताकि इन मसालों की जितनी भी नमी है वो निकल जाए, और इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, कहीं से भी हमें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए हमें इतना ही रखना है। अब ये थोड़ा गरम है, इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा टेबल स्पून मैदा, ये ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए होता है, और आधा टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे हल्के गुनगुना जब ये रह जाए गरम सा तभी मिलाएंगे ताकि इनमें भी जो नमी हो वो निकल जाए। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद ठंडा करेंगे और इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसमें डालना है मिल्क पाउडर। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये 30 ग्राम मिल्क पाउडर। 30 ग्राम मिल्क पाउडर का मतलब है यानी ये 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर है। और अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर इसे ठंडा करेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे मिक्सी में फाइन पीसना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 30 ग्राम मिल्क पाउडर और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इस ग्रेवी प्रीमिक्स को पीस लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये व्हाइट ग्रेवी प्रीमिक्स बनकर तैयार है और हमें इसे पाउडर फॉर्म में ही बनाना है। तो आप मिक्सी के जार में अगर इसे पीसते हैं तो पल्स मोड पे पीसना है ताकि जितने भी मसाले इसमें हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपना ऑयल रिलीज ना कर दें। अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ने मिलके अपना ऑयल रिलीज कर दिया तो ये बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा, और हमें चाहिए ड्राई फॉर्म। और ये एक तरीके से वाइट जैन ग्रेवी भी बनकर तैयार है, क्योंकि ना तो हमने इसमें प्याज का पाउडर डाला है और ना ही हमने लहसुन का पाउडर डाला है। लेकिन जो लोग प्याज और लहसुन खाते हैं तो इसमें 2 टेबल स्पून प्याज का पाउडर, या लेकिन सफेद प्याज का पाउडर पड़ेगा इसमें, ड्राई वाला ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है, आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है। और अगर नहीं है तो आप प्याज को सुखा के
और उसका पाउडर बना के इसमें डाल सकते हैं। उसका वीडियो भी हमने दिया हुआ है कि कैसे प्याज टमाटर और अदरक लहसुन सबको सुखाया जाता है। तो आप इसमें 2 टेबल स्पून प्याज का पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाल सकते हैं। जो लोग प्याज और लहसुन खाते हैं उसे टेस्ट और अच्छा आएगा। और ये देखिए व्हाइट ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये व्हाइट ग्रेवी प्रीमिक्स बनकर तैयार है और इस प्रीमिक्स से आप बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। जैसे कि मलाई कोफ्ता, पनीर की कोई सब्जी व्हाइट ग्रेवी में, मटर पनीर, नवरत्न कोरमा, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो आप इससे बहुत जल्दी से बना सकते हैं। और इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 6 महीने रहती है। इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, बिना प्रिजर्वेटिव के भी आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एयर टाइट जार में रखें या फिर जिप लॉक बैग में रखें इसे, और फ्रिज में स्टोर करें। जहां पर मॉइस्चर नहीं बनता हो वहां पे स्टोर करना है। तो 6 महीने तक ये ऐसे ही रहते हैं। और जब मन करे आपका, जब चुटकियों में कोई भी सब्जी आप बना बना लीजिए, तो इसे आप जरूर बना के देखिए और हमें बताइए कि कैसी बनी। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि इस व्हाइट ग्रेवी प्रीमिक्स से हम सब्जी कैसे बनाए, तो उसका तरीका भी हम बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।